अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कुरम शेराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं OCD क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, क्योंकि हमने जो है बहुत सारे ऐसे लोगों से सुना है कि मुझे जो है बहुत सारे वहम आते हैं, मेरे जहन के अंदर ख्याल चलते रहते हैं, अक्सर ऐसे ख्याल आते हैं जिनका हकीकत के साथ बाज़ दफ़ा ताल्लुक ही नहीं होता। बाज़ दफ़ा वो चीज़ें रख कर जो है दोबारा उनको जाकर चेक करना शुरू कर देते हैं, नमाज पढ़ते हुए ख्याल आ रहे होते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ जो है सोचें आ रही होती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अक्सर लोगों को जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में जो है OCD डायग्नोज करते हैं। तो आज हम पूछते हैं एक्चुअल में OCD है क्या और इसका तरीका इलाज क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर OCD क्या है और इसका तरीका इलाज क्या है? ओ से ऑब्सेशन, ओ सी से कंपर्जन, आपको जैसे का पता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव की जब हम बात करते हैं तो ऑब्सेसिव में आपको एक ऐसी सोच आती है जो कि तकलीफ का बायस होती है, एक बंदे के लिए परेशानी का बायस होती है और वो सोच बार बार आती है। वो बंदा ना चाहते हुए भी उस सोच पे अमल करने पे मजबूर जब हो जाता है, उस पे अमल करता है, तो वो हमारा कंपल्सिव बिहेवियर बन जाता है, यानी कि उस पे एक्शन करना। अगर सपोज मुझे ये लग रहा है कि मेरे हाथ जो हैं इस वक्त गंदे हैं, तो मैं जाऊँ, पता भी अभी मैं वाश करके आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिन में एक सोच आई अभी हाथ सही तरीके से वाश नहीं हुआ, अभी सही तरीके से वाश नहीं हुआ, अगर मैं दोबारा फिर जाके फिर वाश करके आऊँ, अभी आके बैठा हूँ फिर यही है कि जी आप फिर वाश नहीं हुआ तो फिर जाऊँगा, ये क्या है उसका कंपल्सिव बिहेवियर। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाता है और फीमेल्स में ज़्यादा जो होता है वो कंटेमिनेशन, यानी कि अपनी जो सेल्फ केयर यानी कि सफाई सुथराई से रिलेटेड बहुत से, यानी कि फीमेल्स का जब इंटरव्यू लिया गया तो ये पता चला है कि वो जब वॉशरूम में जाती हैं तो तकरीबन वो एक एक घंटा, दो दो घंटे और पाँच पाँच घंटे, इवन के पूरा पूरा दिन वॉशरूम में रहती हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि जी उन्होंने अगर हाथ वॉश किए हैं तो वो जम्स जो है आप जिस्म के किसी और हिस्से पे गिर गए, फिर वो उस हिस्से को वॉश करना शुरू कर देते, पाँव को वॉश करना शुरू कर देते, इसी कश्मकश में उनका ये सोचें रुकती नहीं है और वो इन पर एक्ट करती रहती हैं। और इसी तरह अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो जो 4 कॉमन टाइप्स हैं, एक तो इसमें आ जाता है रिलीजियस से रिलेटेड कुछ ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। बहुत से मौलवी हजरात जो हैं, जो के मौलाना साहब जो हैं, उनको ये यानी कि उनसे पता चला है कि उन्हें ऐसे ख्याल आते हैं जिसमें नाउज़ बिल्ला वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ कोई सोचें आ रही होती हैं या उनकी शान में गुस्ताखी की सोचें आ रही होती हैं, तो यही सोचें बाद में उनके लिए पछतावे का बायस बन जाते हैं। तो ये पछतावा बाद में कई लोगों की जान का सबब भी बन जाता है, क्योंकि वो पछतावे के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन के बाद वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह ऑर्डर एक होती है कि जी एक बंदा ऑर्डर में हर चीज़ को रखता है। कुछ लोगों में ये होता है कि वो एक चीज़ जो है उसको तरतीब में रखते हैं, तरतीब में रखा भी है लेकिन उसके बावजूद फिर उसको जाए चेक करते हैं, चेक करने के बाद फिर उसकी तरतीब को सही के आया ये ठीक है, वो पूरा दिन इसी काम में लगे रहते हैं। और इसी तरह कुछ लोगों के अंदर ऐसी भी सोचें आती हैं कि जी वो अगर दरवाज़ा बंद किया है तो उस दरवाज़े की कुंडी को जाके बार बार चेक करेंगे आया बंद सही हुई है कि नहीं, इसी कश्मकश में वो पूरी रात नहीं सो पाते, वो बार बार अपने कमरे की जो कुंडियां हैं या अपने घर की जो कुंडियां हैं उनको चेक करते रहते, लॉक लगे हैं कि नहीं लगे, इस टेंशन में उनकी नींद ख़राब हो जाती है ये। और इसके अलावा बहुत से लोगों को ये भी देखा गया है कि वो बार बार एक ही बात करते जा रहे हैं, बार बार एक ही बात के मुतल्लक सवाल करते जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बार बार हाथ वॉश करते जा रहे हैं, उनके इवन के जिल्द जो है इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं, इसके बावजूद वो मजबूर होते हैं अपनी उस अनवांटेड थॉट के ऊपर काम करने पर। तो ये सारी चीज़ें, सवाल ये पैदा होता है क्या इसका इलाज है? इलाज है, बिल्कुल है, OCD का इलाज मुमकिन है। OCD का इलाज थ्रू आप ये कह सकते हो, OCD का इलाज जो है वो साइकोथेरेपी के ज़रिए मुमकिन है। इसमें हम CBT
का इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो उसकी इरेशनल थॉट्स होती हैं उनको हम तब्दील करते हैं, उनकी जो गैर हकीकी सोचें होती हैं उनको हकीकी सोचों के साथ तब्दील करते हैं। एक उनकी अपनी सोच है, एक बीमारी की वजह से सोच आई है, तो उन्होंने वो वाली सोच नहीं सोचनी जो बीमारी की वजह से आई है, उन्होंने वो वाली सोच सोचनी है जो उनकी अपनी हकीकी है। अब एक अगर आप किसी बंदे से पूछें, मौलवी से पूछ लें कि आपको क्यों इस तरह के ख्याल आते हैं कि जी आपके कपड़े ना पाक हैं, तो वो ये कहेगा कि जी इस तरह यानी कि मुझे यही लगता है, तो आप कहेंगे कि आपके ये आपका वहम है और जो आपको लगता है अल्लाह ताला ने जो इबादत या जो ये सिलसिलाकार है इबादत का, ये सारी जो चीज़ें ना किस से मुंसलिक होती हैं, दिल से मुंसलिक होती हैं। क्या आपकी नीयत है कि आप जानबूझ के इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं? वो कहेगा बिल्कुल नहीं, मैं जानबूझ के नमाज इस तरह नहीं पढ़ना चाहता। तो आप फिर उसे कहेंगे अल्लाह ताला नीयतों को देखता है ना कि इन चीज़ों को। तो आप इस तरह जो उनकी एक गैर हकीकी सोच होती है ना उस पछतावे से उसे बाहर निकालते हैं कि जी ये एक गैर हकीकी सोच है, आपने अपने दिल की सुननी है, आपने इस जो गैर हकीकी सोच है इसकी नहीं सुननी। इस तरीके से हम उनकी सोचें तब्दील करते हैं। उसके अलावा बाद केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आम तौर पे ओसीडी का इलाज थ्रू साइकोथेरेपी ही है, सिर्फ साइकोथेरेपी के ज़रिए हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हो उन सूरत हाल में हमें मेडिसिन की भी साथ ज़रूरत पड़ती है, तो इसका इलाज मुमकिन है, परेशान होने की बात नहीं है। मुझे पता है कि इसकी वजह से बहुत से लोगों की डेली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कई कई घंटे वो एक ही एक्टिविटी में एक ही काम करते हुए गुजार देते हैं और फिर भी वो सुकून से नहीं बैठते क्योंकि ये सोचें उन्हें सुकून से बैठने नहीं देते। और बाद लोगों को ये पता भी होता है कि ये वहम है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुकून में नहीं होते। अब उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें नया लाइफ स्टाइल सिखाया जाता है कि उन्होंने किस तरह से इनके साथ लड़ना है, किस तरह से इनको मैनेज करना है। और जब कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो उसको इसके बारे में इल्म हो जाता है, मालूमात आ जाती है, तो काफ़ी हद तक उसकी बीमारी इसी वजह से ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर खुर्रम, आपने जो है अच्छा गाइड किया और आप लोगों को भी जो है समझ आ गई होगी कि ओसीडी एक्चुअल में क्या है। ये एक जहन की बीमारी है जिसमें मुख्तलिफ सोचें आती हैं और वो शख्स जिसको ये सोचें आती है वो ज़्यादा मजबूर हो जाता है। तो वो जो है इसके इलाज के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कॉन्टेक्ट करें और थ्रू इसका जो है मेडिसिन और थ्रू साइकोथेरेपेटिक प्रोसीजर जो है इलाज हो सके। तो कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।